फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एरे डॉट इंक्लूड्स मेथड का क्या कंसेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, हम कब और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों देखिए, इंक्लूड मेथड डिटरमाइन वेदर एन एरे कंटेंस ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। मतलब कि जब हमें एरे में किसी एलिमेंट को गेट करना होता है कि ये एलिमेंट है कि नहीं है, तब हम इंक्लूड मेथड का यूज करते हैं। अगर एलिमेंट अवेलेबल होता है आपके एरे में, तब ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। हम इसमें पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो इसका जो पैरामीटर होता है एलिमेंट, मतलब किस एलिमेंट को आप गेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है स्टार्ट, मतलब कि ये ऑप्शनल होता है, बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट कर लेता है पोजीशन। मान लीजिए कि हमें कोई एरे है फ्रूट्स का, उसमें हम मैंगो सर्च करना चाह रहे हैं या फिर बनाना सर्च करना, बहुत सारे फ्रूट्स करने उस एरे में है, ठीक है। तो हम अब अगर केवल पैरामीटर में पास कर देंगे मैंगो, तो केवल मैंगो को सर्च करके पोजिशन क्या करेगा, जीरो से सर्च करना शुरू करेगा। आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है कि एरे का इंडेक्स जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करेगा और पूरे एरे में सर्च करेगा, ठीक है। अगर मिलता है उस एरे में तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं मिलता है तो फॉल्स कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पोजीशन 5 से स्टार्ट करो, पोजीशन 2 से स्टार्ट करो, ठीक है, उसके बाद इसमें है कि नहीं है ये फ्रूट्स का नेम, तो वहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर अवेलेबल रहेगा तो ट्रू करेगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसका एक बार एग्जाम्पल करके देखते हैं, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट जहाँ पर हम एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, वेयर फ्रूट्स, ठीक है, एक मैंने एरे बनाया, ठीक है। इस एरे में क्या करता हूँ मैं कि कुछ फ्रूट्स के नेम रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं हो गया एप्पल, ठीक है, एक मैंने बनाया और लिख लिया बनाना, ठीक है। एक और फ्रूट्स का नेम रख लेता हूँ ऑरेंज, ठीक है। एक और फ्रूट्स का नेम रख लेता हूँ, हाँ, यहाँ पर मैंगो, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इंक्लूड्स मेथड का यूज करूँगा। मान लीजिए मैंने एक वेयर एक्स लिया, ठीक है, इसमें फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट डॉट इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड्स। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले मैं सर्च करता हूँ बनाना को। देखिए ये क्या है, केस सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पर आप एग्जैक्ट वही डालेंगे जिस केस में लिखा हुआ है आपका एलिमेंट, तब ये सर्च करके देखिए ट्रू दे देगा। एक मिनट, इसको मैं प्रिंट भी कराया नहीं, इसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, इसमें आप पैराग्राफ में जो डेमो पैराग्राफ है इसमें प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए इनर एचटीएमएल, ठीक है, इसमें आप एक्स को प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, सेव करके रिफ्रेश कीजिएगा इस पेज को, तो ट्रू आ गया। अगर देखिए ये क्या है, मतलब कि बनाना इसमें है, तो इसको ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए को भी कैप्चर करता हूँ, ठीक है, तो अब ये केस सेंसिटिव इसी एलिमेंट को ढूंढेगा। अब इसके ऐसा जैसा, इसके जैसा तो है नहीं, इसमें तो ए स्मॉल है, देखिए फॉल्स कर देगा, मतलब कि इसको नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट वही एलिमेंट होना चाहिए जो इस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं। देखिए ऑरेंज को ढूंढूंगा मैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा, सर्च करके दिखा देगा। देखिए पैरामीटर, देखिए स्टार्ट से शुरू करके देख रहा है, ठीक है। मैं मान लीजिए बनाना को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इंडेक्स दे दूँ 1012, 2 से सर्च करने के दे दूँ, तो ये फॉल्स दिखाएगा। ऐसा तो ट्रू दिखाता है क्योंकि वो एग्जैक्ट है, लेकिन हम पोजीशन इससे स्टार्ट कर देगा तो ये फॉल्स कर देगा, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट करेगा इससे आगे, ठीक है। तो मतलब कि हम इंडेक्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल पैरामीटर रहता है, इसको आप दे ना दे आपका चल जाएगा, ठीक है। इंक्लूड्स मेथड का ये होता है कंसेप्ट कि ये आप, अगर आपको किसी एरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करना हो, पता करना हो कि है कि नहीं है, उस केस में हम इंक्लूड मेथड को यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या कंसेप्ट होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।